अब सितंबर स्टार्ट हो गया है और मे बी तुम लोगों ने ज्यादातर सभी समर एनिमेज देख लिए होंगे, तो अब टाइम आता है अपने उन समर एनिमेज को रेट करने का। तो सबसे लास्ट में जो एनिमे आता है वो है ट्विलाइट आउट ऑफ फोकस। इस एनिमे के लिए 3-4 गालियां तो बनती हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारा क्रंची रोल का कमेंट सेक्शन गायब हुआ है। मैं इस एनिमे को छोड़ूंगा नहीं। इतना मुझे दुख इस एनिमे का भी नहीं है कि ये थोड़ा उस टाइप का एनिमे है, लेकिन कमेंट सेक्शन क्यों गया हमारा? ये क्रंची रोल वाले पागल थे क्या? चलो क्रंची रोल को भी नहीं, इन एनिमे वालों को मैं गाली देना चाहूंगा। इसी वजह से माइनस के 99 out of 10। और नेक्स्ट एनिमा आता है हमारा सुडो हरेम। वेल, इसका नाम सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं देखूं या नहीं देखूं, उस टाइप का एनिमे तो नहीं है, बट ऐसा एनिमे नहीं था ये। इसकी स्टोरी काफी कॉलेज बेस्ड है, ड्रामेस के ऊपर। ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसमें बहुत ज्यादा स्पेशल चीजें होती हैं, बट फन टू वॉच है, तुम देख सकते हो। और नाम से तुम डरना मत, सुडो हरेम, मैं सोच रहा था उस टाइप के एनिमे है, बट इसको रेटिंग देना चाहूंगा मैं 7 out of 10। और नेक्स्ट एनिमा आता है हमारा डेज विद माई स्टेप सिस्टर। वेल, इस एनिमे के नाम को सुनने के बाद भी मेरी फट गई थी। मैंने सोचा कि भाई मैं नहीं देखने वाला, ये अलाउ भी कैसे कर रहा है क्रंची रोलिया वाले एनिमे, ये तो मैं हेंटा हेवन पर जाकर देखता हूँ। बट फिर भी मैंने सोचा चलो एक बार देख लेते हैं। और इसकी स्टोरी भी काफ़ी सिंपल थी, लाइक स्टेप सिस्टर वाला वो नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा सही कि एक बंदा है जिसकी मोम नहीं होती, लेकिन वो ना तो दूसरी शादी करता है, तो फिर उसमें उसकी एक बेटी होती है जिससे शादी करता है, टेक्निकली उसकी स्टेप सिस्टर हुई। तो इस वजह से उनके बीच कैसे रहते हैं वो, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो भाई बहन बनकर रहते हैं, होने ही वाला होता है बट कुछ नहीं होता। लेकिन जो मेरी इमेजिनेशन थी उससे तो बहुत अच्छी स्टोरी थी, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। स्लो पेसिंग के साथ दिखाया गया है, मेरे टाइप की चीज़ नहीं है, मुझे स्लो पेसिंग बहुत बेकार लगती है। मैं एक तो टीवी सीरियल से परेशान आ जाता था, जब टीवी सीरियल चलती है तो मुझे स्लो पेसिंग बेकार लगती है, जब तक कोई सीरियस एनिमे ना हो। और जो ये हमारा डेज विद माई स्टेप सिस्टर है, मैं इसे रेटिंग देना चाहूँ तो 7.5। ठीक एनिमे था, लाइक तुम अगर समझते हो और फील करना चाहते हो वेल, किसी और मतलब से मत देखना। नेक्स्ट एनिमा था हमारा अलिया समटाइम्स हाइड फीलिंग इन रशियन। वेल, काइंड ऑफ अच्छा एनिमे था। इस समर कोई भी ऐसा एनिमे नहीं आया जिसे कि हम ये बोल सके कि भाई क्या एनिमे आया है। इन सभी एनिमेज में ये एनिमे फिर भी ठीक था। इसके अंदर थोड़ी सी यूनिक सी स्टोरी थी कि जो हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट है ये रशियन बोलना जानती है, और ये सोचती है कि जो हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट है उसको रशियन नहीं आती, और वो उस रशियन में ऐसे ऐसे वर्ड्स भी बोलती रहती है जो कि इनअप्रोप्रिएट होते हैं, जैसे कि क्यूट लग रहे हो तुम, ये रशियन में बोल देगी। उसे लगता है कि ये बंदा नहीं समझेगा रशियन, लेकिन वो समझ जाता है। तो इस टाइप की स्टोरी थी, काफ़ी मज़ेदार स्टोरी थी। सच बताऊँ उन बंदों के लिए अच्छा है जिनके पास बंदी है, या फिर जो लाइफ से परेशान है, कुछ हल्का देखना चाहते हैं, मतलब उन बंदों के लिए काफ़ी अच्छा है। 7.9, क्योंकि इसकी स्टोरी थोड़ी सी यूनिक थी और कुछ चीज़ों में अच्छा भी था, और सच बताऊँ तो लड़की भी ठीक थी। वेल, तुम लोग अपना फेवरेट एनिमे बता सकते हो, तुम्हारा कौन सा रहा इस समर, और मुझे बताया मैंने कुछ एनिमेज मिस कर दिए जो मैं नहीं देख पाया, तुम लोग बताना कौन से एनिमे मुझे देखने चाहिए। और हमारा नेक्स्ट एनिमे है विक्टोरिया वैन एंड स्वॉर्ड, जो कि सच बताऊँ ना ये समर के बाकी एनिमेज के मुकाबले सबसे ज़्यादा यूनिक था। वेल, मैं इसे खुद में यूनिक नहीं बोलूँगा, क्योंकि ब्लैक क्लोवर जैसा थोड़ा सा और मशेल मैजिक एंड मसल जैसा मैजिक की दुनिया है, और हमारा मेन कैरेक्टर मैजिक नहीं कर सकता, बट उसके पास काफ़ी अच्छी फिजिकल पावर्स हैं, और साथ में वो हर मुसीबत से लाइक किसी ना किसी तरीके से बच जाता है। प्लॉट आर हमारे भाई बचेगा ही, और उसको टॉप पर जाना है अपने वर्ल्ड में, क्योंकि किसी से वादे किया उसने या फिर किसी के पास पहुंचना है। तो इस तरीके की स्टोरी वेल ये ज़्यादातर हमने देखी है, बट इस समर ये फिर भी काफ़ी यूनिक लगा, वरना तो ये समर बिल्कुल बोरिंग ही जाती थी। और इस एनिमे को देना चाहूँगा मैं 8 out of 10, क्योंकि इस एनिमे की एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मुझे तो खुद में काफ़ी पसंद आई। वरना तो इस समर कोई भी ऐसा एनिमे नहीं था जो कि तुम्हें ऐसा वेट करा था कि नेक्स्ट वीक क्या आने वाला है, उसके एपिसोड का वेट रहता। और कौन सा एनिमे ठीक था और समर एनिमेज में, तुम लोग बताना, मैं जरूर से देख लूंगा। अब सेटअप ठीक होने वाला है तो वीडियोस काफी अच्छी होंगी, और इसी वजह से लाइक कर दो यार, तुम लोग अपने भाई को लाइक नहीं करोगे देखिए, और चैनल पर सब्सक्राइब कर जाना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।